एक साधारण सा शब्द है सिंदूर, लेकिन एक विवाहित महिलाओं के लिए ये सिंदूर साधारण नहीं है, बल्कि उनके लिए पूरी जिंदगी है, जिसके लिए एक लड़की अपना बचपन और अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ उसके घर आ जाती है। हर सौभाग्यवती महिलाएं सिंदूर लगाकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, ताकि जब तक वो जिए उनके लाल सिंदूर से मांग चमकती रहे। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर सुख, सौभाग्य और पवित्रता की निशानी है। देखा होगा आपने कि हर पूजा पाठ में भगवान को भी टीके के रूप में सिंदूर ही लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर लगाने के पीछे परंपरा के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। सिंदूर से जुड़ी तमाम बातें, खासकर दो विषय अक्सर चर्चा में रहे हैं। पहली बात कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है, और दूसरी कि हमेशा बीच मांग में ही सिंदूर क्यों लगाया जाता है। तो आज इन दोनों सवालों का जवाब आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। बता दें कि सिर के जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है उसे आध्यात्मिक रूप में ब्रह्मा रंध्र कहते हैं, और विज्ञान के अनुसार ये स्थान काफी संवेदनशील होता है। देखा होगा आपने कि बचपन में शिशु का ये स्थान धड़कता रहता है, इसलिए इसे बड़े सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर में पारे की शक्ति होती है, जो कि ब्रह्मा रंध्र को भी शक्ति देती है और उसे सुरक्षित रखती है। बचपन में भी अक्सर लड़कियों के सिर पर तारूल ज्यादा गहरा होता है, इसलिए इस सिंदूर को महिलाएं ही मांग में लगाती हैं, और बाकी अलग अलग राज्यों में अध्यात्म और सिंदूर से जुड़ी कई अन्य कहानियां भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार ये खबर खूब ट्रेंड में थी कि सिंदूर में कुछ मिलावट आने लगी है, जिसका नुकसान कई महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ये खबर फैली कि सिंदूर में कांच के कण मिल रहे हैं, जिससे महिलाओं की मांग खुरच रही है, तो वहीं कहीं ये भी खबर सामने आई कि सिंदूर में तेजाब का मिश्रण है, जिससे महिलाओं की मांग के स्किन काली हो रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।